प्रणाम, जय श्री कृष्णा। सपने जीवन का एक अभिन्न तथ्य है जिससे दूर नहीं हुआ जा सकता। आज हम यहाँ जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से भूत प्रेत के सपने आते हैं। कई लोग इस बात को जानने के लिए उत्सुक होंगे या जानना चाहते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सपने आना और भूत प्रेत के सपने आना, दोनों में काफ़ी अंतर है। कभी कभी भूत प्रेत के सपने आना और रोज़ भूत प्रेत के सपने आना, निरंतर आना, भूत प्रेत आत्मा का दिखाई देना, साथ ही उनकी साफ तस्वीर दिखाई देना, यह एक अलग लक्षण होता है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें कि रोज़ाना भूत के सपने आते होंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस प्रकार के सपने निरंतर आते होंगे, उन्हें भूत प्रेत दिखाई देते हों। और कुछ लोगों को तो अक्सर सपने में यह दिखाई देते ही देते होंगे। तो चलिए जानते हैं इन सपनों के पीछे का कारण। हम जिस संसार में रहते हैं वहाँ कई प्रत्यक्ष शक्तियाँ हैं और कई अप्रत्यक्ष शक्तियाँ भ्रमण करती हैं। कुछ शक्तियाँ नकारात्मक होती हैं तो कुछ शक्तियाँ सकारात्मक होती हैं। हमें सपने में अक्सर भूत प्रेत या आत्मा कई कारणों की वजह से दिखाई देती है। कई लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो शक्ति आपके आसपास घूम रही है वह हमेशा नकारात्मक ही हो या आपका बुरा ही करना चाहती हो। देखिए, अगर ये शक्तियाँ वाकई में हमें नुकसान पहुँचा पाती तो यह हमें छू सकती, हमारे सामने आ सकती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये प्रत्यक्ष रूप से कभी भी हमारे सामने नहीं आती, और अगर आती भी हैं तो हम इनकी तरफ बढ़ नहीं पाते, और बढ़ते हैं तो इन्हें छू नहीं पाते, तो हम इनकी सिर्फ एक छोटी सी झलक ही देख पाते हैं, फिर ये गायब हो जाती हैं। ये ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि ये ज़्यादा देर किसी मानव नेत्र के सामने रह ही नहीं सकती, इन्हें अनुमति ही नहीं होती रहने की। कई बार ये किसी दूसरे के शरीर को चुनती हैं जिससे ये हमसे बात कर सकें, लेकिन कभी कभी उसमें भी इनको सफलता नहीं मिलती। इसके बाद ये चुनती हैं सपने का माध्यम, सपने के माध्यम को, जिससे ना आपको नुकसान होता है ना इन्हें कोई नुकसान होता है। सपने के माध्यम से आत्माएं आपको कुछ संकेत देती हैं जिसे आपको समझना होता है, क्योंकि ये आपको सीधे सीधे बताने में सक्षम नहीं होती। आत्मा भूत प्रेत इसलिए इस दुनिया में भटकते हैं क्योंकि या तो समय के पहले उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, या आत्महत्या की वजह से वे अपने कर्म नहीं भोग पाती जिसका भुगतान वे प्रेत योनि में रहकर करती हैं, या उनका किसी प्रकार का कोई कार्य अधूरा रह जाता है और उन्हें वह पूरा करना होता है जिसके लिए वे किसी माध्यम को तलाशती रहती हैं, या उनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है और जहाँ उनकी मृत्यु हुई होती है उस जगह पर उनकी कोई अहम चीज़ रह जाती है जिसे वह पाना चाहती हैं। इस वजह से ये हमारे आसपास भटकती रहती हैं। ये हमें सपने में कई वजह से दिखाई देती हैं, जैसे इनका कोई काम हो जो सिर्फ हमारे माध्यम से ही हो सकता हो, आपसे इनका कोई खास रिश्ता हो जिसे ये छोड़ना नहीं चाहते हों, ये आपके द्वारा मुक्ति पाना चाहते हों। कई बार हम कहते हैं ना कि हमें कोई भूत प्रेत या आत्मा परेशान कर रही है, लेकिन वाकई में वह आपको परेशान नहीं कर रही होती, वह आपके माध्यम से मुक्ति पाना चाहती है। अगर आपको वह परेशान नहीं करेंगे तो आप किसी साधु या पंडित या किसी जानकार के पास उनसे पीछा छुड़वाने के लिए नहीं जाएंगे, और वे प्रेत योनि में ही बनी रहेंगी, और प्रेत योनि में ये कभी भी खुश नहीं रहते। उदाहरण के लिए, अगर एक घर में एक साथ कई अलग अलग अकाल मृत्यु हुई हो तो वह नकारात्मक घर हो जाता है, क्योंकि वहाँ कई सारी आत्माएं मुक्ति की तलाश में विचरण करती रहती हैं कि कोई आएगा और उन्हें मुक्ति दिलवाएगा। ज़्यादा समय हो जाने पर और मुक्ति ना मिलने पर वे उग्र रूप धारण कर लेती हैं, और जैसे ही हम या कोई भी व्यक्ति उस घर में उस जगह पर जाते हैं तो वे हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, और इन्हें हम बुरी आत्मा या नकारात्मक आत्मा भूत प्रेत कहते हैं। सपने में लगातार भूत प्रेत या किसी आत्मा का आपको दिखाई देना यह संकेत देता है कि आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आपको इनसे पूछना चाहिए कि आखिर ये क्या चाहते हैं। ये अवश्य ही आपको बताएंगे कि ये क्या चाहते हैं आपसे। अगर आप हमारे पंडित जी से कोई सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं, जिससे कि आपको आपकी परेशानी का उपाय हम बता सकें। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दी हुई है।
अगर आपको इससे लाभ हो रहा है तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही वीडियो के नए अपडेट पाने के लिए बेल बटन को दबाएं, बेल बटन पर क्लिक करें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ शेयर करें जिससे उन्हें भी सहायता प्राप्त हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, वीडियो पर लाइक करें। थैंक यू।